अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोगों का स्वागत है जमियतुल क्लब भारत स्काउट गाइड की हाइक में, जो बेसिक कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ 17 तारीख से 23 तारीख तक, जिसकी पांचवें दिन हाइक चलने जा रही है। और बहुत ही यहाँ पर लोग आनंद ले रहे हैं हमारे बेसिक स्काउट मास्टर, तो यहाँ पर मिलवाते हैं आप सभी को। हमारे जितने बेसिक स्काउट मास्टर ने अपने अपने पेट्रोल टोली के अंदर खाना बनाने का, जो बिना बर्तन के भोजन का हाइक पे आए हुए हैं, यही लोग खाना बनाएंगे और यही हम लोगों को भी खिलाएंगे। यहाँ पर मेहमान भी आएंगे, तो हमारे स्कैम के एलओसी माननीय रेस्पेक्टेड हमारे एलओसी महोदय मास्टर हिदायतुल्ला सिद्दीकी साहब, और हमारे स्टाफ में हमारे सलीम साहब भी हैं और घनश्याम सर हैं जो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड से हैं, और मौलाना नासिर साहब हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हमारे बेसिक स्काउट मास्टर के पास, जो आज यहाँ पर खाना बना रहे हैं। पूछते हैं उनसे सवाल के कैसा उनको लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उनको यहाँ पर, और क्या क्या वे यहाँ पर आकर बना रहे हैं इस बाग के अंदर। जी, कौन सी पेट्रोल टोली है आपकी? सर, हमारी पेट्रोल नंबर 1 है। क्या बना रहे हैं आप लोग? हम बैंगन बना रहे हैं, आलू बैंगन की सब्जी। अच्छा, मिर्चों की चटनी और टमाटर की चटनी और प्याज की चटनी और रोटी और दाल। अच्छा, बहुत सिस्टम तैयार तो करने का। इतना सामान है आपके पास, इतना सारा बना हुआ? थोड़ा सामान हम लेकर आए हैं। अच्छा, तो और आपका पेट्रोल का नाम क्या है? पेट्रोल नंबर एलिफेंट, पेट्रोल नंबर हमारे 3 है। पेट्रोल नंबर एलिफेंट है आपका? पेट्रोल नंबर 3 है जी हमारी। अच्छा जी, तो आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं या सब ये अकेले बना रहे हैं? नमक के लिए आए हैं सर ये। अच्छा, नमक के लिए आए हैं। तो आप किस टोली गए हैं? मैं 3 नंबर का हूं। तो ये कौन सी टोली है? ये टोली नंबर क्या कह रही है आप? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेने के लिए आ रहा हूं। अब जा रहा हूं जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने परिचय दिया। तो ये आप क्या काट रहे हैं इतने बारीक बारीक? ये बैंगन है सर। तो इतने बारीक क्यों काट रहे हैं? बनाए दूसरे तरीके से जाते हैं, लेकिन हम सरों को दूसरे तरीके से खिलाना चाहते हैं। ओ, मतलब आपकी नई डिश है? नई डिश। बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत मजा आ रहा है सर। तो पहले भी किया कभी ऐसे? नहीं, पहली बार। पहली बार कर रहे हैं? पहली बार आए सर। मतलब किया ही नहीं अभी तक? नहीं, कभी नहीं गए। तो ये जो आपके साथी हैं, सब दोस्त हैं या कहीं कहीं से आए हुए हैं? नहीं, ये सब अलग अलग राज्य से हैं। तो इनके साथ लड़ाई भी हुई होगी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, प्यार प्रेम चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद आप लोगों को। देख सकते हैं कि कैसा है, और हम लोग यहाँ हाइक पे पहुँचे हैं। तो बहुत दूसरी टोली के पास चलते हैं, जो आपके सामने मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे रोटी बना रहे हैं आग जलाकर। और बहुत गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी ये मेहनत, इनकी लगन इनको आपको दिख जाएगी कि कैसे काम कर रहे हैं लोग। तो आप लोग कौन सी टोली के हैं? सर, टोली नंबर 1 टाइगर टोली। अच्छा, टाइगर टोली। तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको यहाँ पर? बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तुम तो ऐसे रोटी बना रहे हो जैसे पहले कभी बनाई थी घर? नहीं सर, पहली बार बना रहे हैं रोटी। ये पहली बार बना रहे हो? पहली बार बना रहे हैं। तो पहली बार में इतना शानदार आटा, ये किसने गूंदा आटा? सर, मजा इतना आ रहा है, मैंने गूंदा है सर। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन आटा गूंदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद नदीम। कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत हरियाणा। तो इतनी दूर से यहाँ आए हो? जी सर। तो क्या सोच के आए थे कि ये करना पड़ेगा वहाँ? नहीं सर, अपनी इसके ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो ये मालूम था कि ये होगा? नहीं सर, कुछ भी मालूम नहीं था। तो आटा किसने ऐसे ही सीखे अपने आप? ऐसे ही सीखे सर। तो देख सकते हैं कि आज इनको चकला बेलन, और ये इनकी रोटी है। देखो, भारत का नक्शा बना रखा है क्योंकि पहली बार बना रहे हैं ना। तो ये इनके सपोर्टर हैं, आग जला रहे हैं। और सर, रोटी बनेगी 3 तरह की, मीठी, मिर्च की और फीकी। ओहो, मतलब ये देख सकते हैं कि आटा एक ही है लेकिन 3 तरह के ये रोटी बनाने जा रहे हैं अभी पहली बार। तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? सर, बड़ा बेहतरीन महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है माशाल्लाह, पूरा बेहतरीन मजा। तो आ रहा है आपके साथ में। ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम करने क्या आए थे, करवा क्या आ रहे हैं हम लोगों से? मजा आ रहा है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा। पहले दिन कैसे लग रहा था आपको? सर, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, तो अगर हम लोग मतलब यहाँ ही है LOC जो है आपके, अगर आपका कैंप आगे बढ़ा दे तो कर पाएंगे आप? बिल्कुल सर, करेंगे। तो आपने कभी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर हुसैन है, मैं कासगंज UP से आया हूँ। ओ, ये भी बहुत दूर से आए, देख रहे धुएं में बिल्कुल इनकी हालत इस टाइम खस्ता हो गई है, और गर्मी में भी है धुएं में भी है, लेकिन ये देख सकते कैसे फूक मार रहे हैं। अपने घर में कभी फूक नहीं मारी होगी इन्होंने, लेकिन इस धुएं में अपने दोस्तों के साथ ये खाना यहाँ पर बना रहे हैं अपने पेट्रोल के साथ। ये बड़ी बात है कि कैसे हम लोग किसी भी हालात में कुछ भी कर सकते हैं और लोगों के काम आ सकते हैं। तो दूसरे नज़ारे में ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी का बहुत शानदार यहाँ पर पानी चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो यही पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई पानी नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कपड़े धो रहे हैं मौला। क्या नाम है मौला ना आपका? मोहम्मद शाहदा। हाँ, तो आप भी इसी ट्रेनिंग में हैं जी? तो ये यूनिफॉर्म धो रहे हैं जी?
जी। ये देखिए यहीं पर 12 यूनिफॉर्म धो रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे को पानी आ रहा है, बीच में बंद है, उधर से पानी जा रहा है और यहाँ से पानी जा रहा है। ये यहाँ पर जो इन लोगों को मिला है ये भी बड़ी बात है। चलिए दूसरी हमारे पास तीसरी टोली है जिनके पास हम जा रहे हैं, तो उनसे भी मुखातिब होते हैं कि उनको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा। अरे आप यहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? अच्छा महसूस हो रहा है माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रागे है, जिला मुजफ्फरनगर गांव काट का। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, टोली नंबर 3 है हमारा। अच्छा तो क्या बना रहे हैं आप लोग? ये हम मैं देख, ये खोल के दिखा सकते हैं आप लोग? आलू बैंगन के। ये देखो कितनी शानदार सब्जी बना रहे हैं, ये बहुत उम्दा सब्जी है और ये खाना ये बना रहे हैं बहुत ही लजीज खाना है। तो ये लोग सब यहाँ पर बैठ के खाएंगे एक साथ। तो कभी आपने कभी जिंदगी में ये किया है? नहीं। यहाँ से पहले कहीं किया? शुरुआत में शानदार खाना बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस काम में जुड़े रहेंगे, अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। और तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा जी। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद नौमान। तो आप भी इन्हीं के जिले से हैं? नहीं, मैं जिला मुरादाबाद से हूँ। ये मुरादाबाद से देख सकते हैं कितनी दूर से यहाँ है ट्रेनिंग लेने के लिए। तो क्या आपने भी कभी ये किया है? नहीं, ये कभी नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार ये कर रहे हैं यहाँ से, इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने यहाँ पर ये काम किया। ये देखो हमारी टीम वहाँ पर चरवाहे पे आनंद ले रही है बैठी हुई। तो चलते हैं हम लोग, जो देख सकते हैं बिल्कुल धूप हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस गर्मी में इस ट्रेनिंग का आनंद उठा रहे हैं हमारे स्काउटर्स ट्रेनिंग्स जो। चलिए अब पहुँचते हैं दूसरी टीम के पास, हम आ चुके हैं वहाँ पर। देख सकते हैं नज़ारा कि कैसे यहाँ फूंक मार रहे हैं मौलाना बैठे हुए। लेकिन यही ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि कहीं भी ऐसे हालात में हम लोग हों तो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। तो पूछते हैं अभी सवाल दूसरी टोली का आपका। कैमरा भी कर सकते हैं। शेर टोली आपकी है? जी सर। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मौलाना मोहम्मद फैसल नाम है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। आप ये भी देख रहे होंगे कि हर लोग अलग अलग जगह के लोग हैं यहाँ पर। मौलाना की हालत देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल हालत ख़राब है, भूख मार मार के हवा निकल गई है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं इस गर्मी में, गुस्सा नहीं है चेहरे पे, यही स्काउटिंग है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कपड़े भी उतार दिए इन्होंने, लेकिन आग के पास इस गर्मी में मौजूद। क्या लोग बना रहे हैं आप लोग? ये जी दाल बना रहे हैं। कहीं की दाल बना रहे हैं? मसूर की दाल। देख सकते हैं मसूर की दाल बना रहे हैं सड़ी गर्मी में, लेकिन इसको खाएंगे, जो उनको दिया गया है वही ये लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कि आग जलाने के लिए बिल्कुल एकदम, ये देखो आटा गूंदा है इन्होंने बहुत। ये आटा किसने गूंदा है? ये हमारे हजरत ने। ये देख सकते हैं कि इसके आटे की शक्ल भी इतनी मोटी है और हमारे मौलाना भी बैठे हैं ऐसे ही, जैसे आटा मुस्कुरा रहा है ऐसे मौलाना मुस्कुरा रहे हैं इतनी गर्मी में। लेकिन अच्छी बात है, पहली बार कर रहे हैं मौलाना, कभी किया ऐसे पहले? ऐसे पहले भी किया। अच्छा जी, जंगल में पहले आप बनाए जाकर? जंगल में पहली बार बनाया। जंगल में पहली बार बना रहे हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ का? माशाल्लाह बहुत बढ़िया था। ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ हमारे पे जुल्म करा जा रहा हो? तो आपका एक्सपीरियंस क्या है मुफ्ती साहब? मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है लोगों को ये काम करके, ये पिकनिक की तरह होता है। मुफ्ती साहब आप कहाँ से आए हुए हैं? हरियाणा मेवात से। ये देखो कितनी दूर से आए हुए हैं मेवात से। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सब आप लोग अलग अलग जिले के हैं जी, और एक ही टीम में काम कर रहे हैं, कभी इनसे इनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी? कभी आप इन्हें जानते थे? नहीं जानते थे, न इनको जानते थे। ये हमारे बीच में देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असद। मोहम्मद, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बिजनौर। ये बिजनौर किरतपुर से आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है। तो आपकी लड़ाई भी हुई होगी जैसे आप दूर दूर के लोग हैं? बिल्कुल, लड़ाई वड़ाई का कोई चक्कर नहीं है। मतलब लड़ाई हुई नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। ये भी देखो कमाल की बात है कि कभी कभार आदमी गुस्सा हो ही जाता है, लेकिन ये कितने दिन से हो अभी तक आप साथ? छठा दिन चल रहा है आज। और छठा दिन, तो आपको कैसा महसूस हुआ अपनी इस पार्टी की जो आपकी टोली है? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। बहुत बढ़िया बात के इन लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी चलते हैं हम लोग, देख सकते हैं जंगल का इलाका है जहां हम लोग रह रहे हैं। तो दोबारा स्टूडियो में पहुंचे हैं आपके साथ हम लोग, क्योंकि बीच की वीडियो अभी हमारी थोड़ी सेव हो गई थी। तो फिर एक बार दूसरी टोली में, ये टोली नंबर 4 है, इसका टोली का नाम हॉर्स टोली है, यानी घोड़े के नाम पे इस टोली को रखा गया है।
चलिए पूछते हैं इनसे इस जंगल का नजारा। स्काउट गाइड जमीयत यूथ क्लब की ट्रेनिंग में क्या क्या काम किए जाते हैं, ये क्योंकि मास्टर की ट्रेनिंग है और आप मुझे भी देख रहे होंगे मैंने शर्ट उतार रखी है, क्योंकि शर्ट इसलिए उतारा कि गर्मी बहुत शिद्दत की है और यहाँ पर आग भी जली हुई है, हवा भी नहीं चल रही है, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से के कारण हम लोग यहाँ जंगल में ऐसे घूम रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं हम लोगों के अलावा। तो पूछते हैं हम हमारे टोल नंबर 4 से कि क्या हमें चीज़ें बना रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका भी। चलिए टोली नंबर कौन सी है? नंबर 4 है। तो आपकी टोली में कितने लोग हैं? चार लोग। अभी तो आप 3 नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सामान लेने गए भाई, मान ली आप टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अलग अलग, बहुत अच्छा रहा। ये आटा किसने गूंदा है? ये देखो इनकी रोटी यहाँ पर बन के देख सकते हैं कैसी रोटी तैयार हुई है। बेचारे पहली बार बना रहे हैं, लेकिन यह है क्या कोई भी एक आदमी, ये कच्ची है अभी क्योंकि गरम गरम ये बना के उन अपने जो मेहमान आएंगे उनको खिलाएंगे। देख सकते हैं ये पेड़े किसने बनाए, पेड़े ये इन्होंने पेड़े बनाए। देखो ये भी देख सकते हैं इनके पास भी शर्ट नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो देख सकते हैं इनकी हालत ऐसी हो गई है, फूंक मार मार के हवा निकल गई इनकी। तो ये होता है क्योंकि जब आदमी पहली बार काम करता है हालत ऐसी हो ही जाती है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हजरत आपका? देख सकते हैं कि आंखें बंद हैं फिर भी बेचारे चूल्हे के आगे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं एकदम। ये इन्होंने सब सामान काटा है आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सामान। प्याज है इनके पास, हरी मिर्चा है, टमाटर है, ये मसाले हैं, बैंगन है, आलू है, हरी मिर्च है। तो ये इनका एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है जो हमारे यहाँ पर सब ट्रेनीज मौजूद हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पर 4 टोली हैं इस कैंप के अंदर और हाइक पे मौजूद हैं और पूरा आनंद इस हाइक के दौरान इन्होंने उठाया और उठा रहे हैं। थक गए हैं बेचारे, इसलिए थोड़ा ऐसे कबूल चल रहे हैं कि ये देख सकते हैं क्या नज़ारा है, बहुत उम्दा। ये देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया, ये देखो मौलाना लकड़ियाँ चुप के ला रहे हैं, सब लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये भी तो ये गन्नों के खेत का नज़ारा है यहाँ पर। तो अभी हमारे जो टीचर हैं उनके पास जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनसे थोड़ी तफरी हो जाएगी हमारे से। ये एंजॉय की हाइक होती है। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, मौलाना नासिर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और ये क्वार्टर मास्टर हैं इस कैंप के। शुक्रिया भाई। तो इनकी देख रेख में भी ये काम चला है जो सब हो रहा है। ये मास्टर सलीम साहब और भाई हमारे यहाँ तो इनको लोग बहुत अहमियत देने लग गए हैं क्योंकि HW भी हो गए हैं, तो आनंद उठा रहे हैं जंगल का। इस काबिल नहीं है, देने लग गए हैं, देने लग गए हैं। ये देखो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, इस बात को सोच के भी फख्र की बात है, मतलब देने लग गए। तो कैसा रहा आपकी हाइक सलीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह और मजा आ रहा है सबको। सबको मजा आ रहा है, तो किसी में कोई लड़ाई झगड़ा या कि जैसे दूर दूर के हैं सब लोग? स्काउटिंग में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब सब लोग एक साथ यहाँ काम करते हैं। कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर 15 पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, और स्टाफ अलग है उनसे अलग। चलिए बहुत बढ़िया। ये सर कहाँ से आए हैं जो आपके साथ कंधे कंधा मिला के बैठे हैं? सर है घनश्याम भारद्वाज जी। अच्छा, बरेली से है, हिमालय वुडबेज स्काउट है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ये इतनी हाँ। दूर से यहाँ जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट गाइड में आए हैं, यही स्काउटिंग की खासियत है कि फ्रेंडशिप डेवलप होती है, लोगों से मुलाकात होती है, एक दूसरे से तारुफ किया जाता है, एक दूसरे को कल्चर को पहचानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, यही असली स्काउटिंग। आप देख सकते हैं घनश्याम जी कैसे मिले हुए सलीम साहब के साथ बैठे हैं, यही मोहब्बत होती है कि पहली बार इंसान मिलता है लेकिन स्काउटिंग उसको ऐसे जोड़ देती है कि सदियों से हम लोग बिछड़े हुए थे। तो भारत स्काउट एंड गाइड दिल्ली और आपके बीच में अभी पूरी रिपोर्ट बेसिक स्काउट मास्टर ट्रेनिंग की मैंने पेश की है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जय हिंद। ये हमारे मास्टर साहब हैं, देख सकते हैं अभी हाइक का नज़ारा लेने आए थे यहाँ पर कि कौन क्या बना रहा है। अभी एक वीडियो हमने आपके सामने बनाई थी जो सब लोगों का परिचय लिया, क्या क्या खाना बना रहे हैं। और अभी हम क्योंकि हमारे सर अभी यहाँ पर दौरे पे आए थे, किसी ने किस टाइम हो गया क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, खाना बनाने के लिए देखने आए थे, यानी
तो एक बार हम अपने यहाँ के जो ट्रेनिंग इंचार्ज LOC हैं स्कैम के, बेसिक स्काउट मास्टर के, उनसे पूछेंगे कि ये कैंप कब से चल रहा है और किसका कैंप है और कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो हमारे मास्टर हिदायतुल्ला सिद्दीकी साहब, जो DTC और DOC जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से यहाँ पर LOC के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि कब से कैंप चल रहा है। ये कैंप जो है सत्रह तारीख से चल रहा है जी। और आज ये हाइक पे आए हुए हैं बच्चे और चार ग्रुप में बट करके खाना बना रहे हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहली बार आटा गूंदा है, किसी ने चूल्हा जलाया है, कुछ लोग जानकार हैं। तो गीला मौसम है, लकड़ी गीली है, फिर भी कोशिश करके ये खाना बना रहे हैं। तो सर आपको इसमें ऐसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगह से इनसे अभी बात हुई थी हमारी, हर बच्चा आपके यहाँ, क्योंकि आपके लिए तो बच्चे ही हैं लेकिन सब बड़े हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोई शिकायत आपके पास आई हो कि किसी ने किसी का कुछ या आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, क्या स्काउटिंग में ये होना संभव है या नहीं? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जितने भी स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, हम उनको अलग अलग टोली के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको मिल करके भाईचारे के साथ काम करना, और जो लोग हैं वो सब काम करते हैं और सब मिल करके आप देखेंगे कि कोई चूल्हा जला रहा है, कोई रोटी बना रहा है। और अभी टोली की भावना है, स्काउट स्पीड है, अभी कोई डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नहीं कह सकता कि मैं शामली का हूँ या मैं हरियाणा का हूँ। अभी उनके पास शेर टोली है, उनके पास हॉर्स टोली है, उनके पास एलिफेंट टोली है, और उसी टोली को बरकरार रखने के लिए, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए ये टोली विधि काम करती है। और जहाँ टोली विधि काम करती है वहाँ पर भाईचारा और सद्भाव होता है और वहाँ पर झगड़े का सवाल ही नहीं होता। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि स्काउट भावना सिखाती है कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रह सकते हैं, दूसरों के कल्चर में कैसे हम प्रेम से रह सकते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ कैसे हम लोग रह सकते हैं, यही जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट गाइड इन लोगों को सिखाता है। तो एक क्वेश्चन सर मेरा और है, ये आपका कैंप यहाँ पर यहीं चलेगा या वापस शाम को यहाँ से आप जाएंगे, या ये कैंप कब तक चलेगा? ये देखिए, हमारा जो कैंप है वो चार पांच डिस्ट्रिक्टों से आए हुए बच्चों का है और ये सब मदरसे से आए हैं और अपने अपने मदरसे के अंदर ये बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां इन्होंने दीन की हासिल कर रखी है। अब ये यहाँ से जो है 23 तारीख को वापस जाएंगे और 23 तारीख को जाने के बाद ये अपने अपने मदरसों के अंदर स्काउट गाइड चलाएंगे, बच्चों को सद्भावना की बात सिखाएंगे, सेल्फ डिफेंस की बात सिखाएंगे, आत्मनिर्भरता की बात सिखाएंगे। तो ये लोग अपना काम करेंगे और फिर जो अभी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है उसी ट्रेनिंग के मुताबिक ये भी हाइक है, ट्रेकिंग है, कैंपिंग है, वो सारे प्रोग्रामों को करेंगे। और उससे अभी यहाँ आए हैं तो एक इनको विपरीत परिस्थितियों में खाना बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ये सब लोग बना रहे हैं, क्योंकि इनका पहला अवसर है तो थक भी गए हैं, फिर भी सब मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी सर आपका मतलब ये है कि कहीं भी बहुत सारे बाढ़, भूकंप, बहुत सारे लीफ के काम चलते हैं जहाँ पर खानों बनाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इन लोगों को इसलिए सिखाया जाता है ताकि कहीं भी किसी भी, आप लोग अगर किसी भी उसमें रहेंगे तो अपनी समय या दूसरों के लिए कैसे आप खाने को प्रोवाइड करवा के लोगों में बांट सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर ने अभी हमें बताया है। तो सर ये कब तक कैंप चलेगा आपका? ये हमारा जो है 23 तारीख तक चलेगा और जैसे आपने कहा तो जमीयत उलमाए हिंद जो है बाढ़ में, आपदा में, आगजनी में और जो भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं उसके अंदर सबसे पहले पहुँचती है और वहाँ पर काम करती है। तो वहाँ पर सेवा तो करती है लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो करने में दुश्वारी होती थी, तो स्काउट का शोभा खोला गया, यूथ क्लब खोला गया
और यूथ क्लब खोला गया तो उसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी गई, तैराकी की बात की गई और साहसिक गतिविधियों की बात की गई। तो इसके जो मेन जिम्मेदार हैं क्या, कौन है, कहां से चलता है निज़ाम? इसका निज़ाम जो है जमीयतुल उलमा के जो अध्यक्ष हैं हज़रत महमूद मदनी साहब, उनकी सोच और उनकी सोच नहीं उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सोच है कि बच्चों को स्काउट गाइड की शिक्षा दी जाए, इससे उनमें सुनागरिकता की शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ाने की शिक्षा मिलती है और एक अच्छा उदाहरण पेश होता है जिसे आपने देखा होगा। कोविड के अंदर भी उन्होंने बहुत काम करा और हज सर्विस में भी उन्होंने बहुत काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे इस इंटरव्यू में अपने बच्चों की डिटेल को और इस स्कैम के बारे में बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड के रेस्पेक्टेड माननीय DTC और DOC सर और स्कैम के LOC जिन्होंने संपूर्ण समय देकर इस हमारी वीडियो को उत्साह दिया और इन बच्चों के बारे में बताया। थैंक यू सर। आप बता सकते हैं कि हमारे बीच में मास्टर हिदायतुल्ला सिद्दीकी साहब थे जिन्होंने आपको अभी इस कैंप के बारे में बताया कि ये कैंप क्यों चल रहा है और क्या मकसद है और क्यों हम लोगों इनको हाइक पे यहाँ पर घुमा के खाना बना रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। फिर एक बार नए वीडियो के साथ नए कोर्स में मिलेंगे आपसे। थैंक यू। जय हिंद। गुल बांग बहारे गुलशन है ये अहल यकीन की जमीयत। गुल बांग बहारे गुलशन है यूं दीनों सियासत बाहम हो ये कार शीश हो आहन है। गुल बांगे